हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम इंडिया बार। नमस्कार जहन साथियों, अगर आप 10वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो भाई साहब आपके लिए बड़े काम की खबर है, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन ने भाई साहब 332 ड्राइवरों की भर्ती निकाली है और भाई साहब योग्यता सिर्फ 10वीं पास रखती है। तो क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, पर उससे पहले अगर आप अपने परिवार पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने, वीडियो को लाइक कर दें। अब क्या है साथियों जानकारी, आपको बता दें कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है, क्योंकि भाई साहब हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चालक के 332 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। और साथियों बता दें कि इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद 8,310 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। अब बता दें कि आपको आवेदन ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो आधिकारिक वेबसाइट hrtchp.com पर लेटेस्ट न्यूज सिलेक्शन में दिए गए लिंक से आप भर्ती अधिसूचना डाउनलोड करनी है। इसके बाद फॉर्म मिलेगा, आपको उसको अच्छी तरह से भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट को संलग्न करके हिमाचल पथ परिवहन निगम के विभिन्न मंडल कार्यालयों में से अपने संबंधित क्षेत्र के कार्यालय में जमा कराने। एचआरटीसी ने आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख आपकी 27 दिसंबर 2021 मानी है, जबकि गैर जनजाति क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आखिरी तारीख आपकी 5 जनवरी है। अब भाई साहब इसके अलावा योग्यता की बात कर लें तो हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक भर्ती अधिसूचना के मुताबिक वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी आपने हिमाचल प्रदेश के किसी कॉलेज से या किसी विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास की है। हालांकि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास भारी परिवहन वाहन यानी HTV का वैध लाइसेंस एवं भारी परिवहन चालन का 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य, यानी आपके पास DL होना चाहिए भारी वाहन का। इसके अलावा भाई साहब आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से उम्मीदवार 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए। हालांकि राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी खबर है, बड़े काम की खबर है, अगर आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अप्लाई करें और अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने, लाइक शेयर जरूर कर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।